नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल ने मांगा राज्यपाल से मिलने का समय, कल दे सकते हैं सीएम पद से इस्तीफा। नीतीश कुमार की JDU ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का किया समर्थन, राजीव रंजन का बड़ा बयान, कहा योजनाओं को मिलेगी गति। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मोदी पर साधा निशाना, कहा मौजूदा संविधान में वन नेशन वन इलेक्शन की नीति कतई संभव नहीं। कल सुबह 11:30 बजे होगी आप विधायक दल की बैठक, नए सीएम के नाम पर लगेगी मोहर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख पर एकनाथ शिंदे पर भड़के संजय राउत, कहा जब तक दिल्ली के दोनों मालिक नहीं चाहेंगे चुनाव आयोग महाराष्ट्र में चुनाव नहीं कराएगा। दिल्ली सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का जनता से वादा किया था। इसी कड़ी में केजरीवाल ने दिल्ली के राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सोमवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलने का समय मांगा है। आम आदमी पार्टी की ओर से जानकारी दी गई है कि वो कल सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इससे पहले केजरीवाल ने रविवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अचानक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। केजरीवाल की ओर से अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दिए जाने के ऐलान के बाद उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जगह मनीष सिसोदिया भी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इसके बाद से दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के रूप में सियासी गलियारों में कयास लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी आतंकवाद पर खामोश क्यों बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी की सरकार को 100 दिन हो गए हैं और 100 दिन के अंदर आतंकवाद कश्मीर में सर उठा रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उस पर मोदी सरकार मौन क्यों है। जिस कदर बेरोजगारी और महंगाई अपना सर उठाए हुए है, उस पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार मौन है, क्योंकि एक नया जुमला लेकर मोदी सरकार इन सारी असफलताओं को ढकना चाहती है, ये हम नहीं होने देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू मूल रूप से अपने आप को सिर्फ भाजपाई साबित करने में अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने जमकर निशाना साधा और कहा कि मौजूदा संविधान में वन नेशन वन इलेक्शन की नीति कतई संभव नहीं है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सोमवार को वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा संविधान के तहत वन नेशन वन इलेक्शन की नीति कतई संभव नहीं है। इसके लिए एक दो नहीं बल्कि कम से कम 5 संवैधानिक संशोधनों की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास लोकसभा या राज्यसभा में इन संवैधानिक संशोधनों को पेश करने के लिए पर्याप्त संख्या भी नहीं है। पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में पीएम ने वन नेशन वन इलेक्शन की जोरदार वकालत की थी और कहा था कि बार बार चुनाव देश के आगे बढ़ने में बाधा बन रहा है। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई कि सरकार जल्द ही इस पर कोई फैसला ले सकती है। इन दिनों में चर्चा है कि सरकार संसद में वन नेशन वन इलेक्शन पर विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने PC कर मोदी सरकार की नाकामी को गिनाने का काम किया। BJP सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। ये 100 दिन देश की अर्थव्यवस्था पर, इस देश के युवाओं पर, महिलाओं पर, इस देश की रेलवे पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ मार पर बहुत भारी पड़े हैं। उन्होंने कहा कि इन 100 दिनों ने ये साबित कर दिया है कि BJP के पास किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है और न ही कोई विजन है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि PM चुनाव प्रचार के दौरान अपनी सरकार के 100 दिन के प्लान का जो जिक्र करते हैं, उनके सामने विफलताओं का एक पुलिंदा खड़ा है। उन्होंने BJP को रिपोर्ट कार्ड थमाते हुए कहा कि रेल ध्वस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है, महिला सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है। जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और जनता को सरकार की विफलता को गिनाया। जम्मू कश्मीर के दुरू में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बड़ी बात कही। गुलाम अहमद मीर के सपोर्ट में प्रचार करने आए कन्हैया ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सन्नाटा पसरा हुआ है, कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद ही यहां असली शांति आ पाएगी। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान है। इससे पहले रविवार को कन्हैया कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सन्नाटा पसरा हुआ है और जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो इस केंद्र शासित प्रदेश में वास्तविक शांति स्थापित करेगी। कन्हैया ने आगे कहा कि सन्नाटा और शांति में फर्क होता है और सन्नाटा पसरा हुआ है, हमें असली शांति लानी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। राज्य में चुनाव नवंबर महीने में कराए जाने की संभावना है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है।
उनके इस बयान पर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यूबीटी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नहीं तय करेंगे कि महाराष्ट्र में कब चुनाव होगा। नवंबर में चुनाव की जानकारी क्या उनके दिल्ली वाले मालिक ने दिया है? जब तक दिल्ली के दोनों मालिक नहीं चाहेंगे, चुनाव आयोग महाराष्ट्र में चुनाव नहीं कराएगा। इस पर पलटवार करते हुए संजय राउत ने कहा कि अगर शिंदे कह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव होगा तो हम कहते हैं कि ये कभी भी चुनाव करा ले, हमारी जीत पक्की है। जो हाल इनका लोकसभा चुनाव में हुआ है वही विधानसभा चुनाव में भी होगा। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ी हुई है। महाविकास अघाड़ी में सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ी हुई है। महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी भी किसी का नाम स्पष्ट तौर से फाइनल नहीं किया गया है। हालांकि शिवसेना यूबीटी के नेता लगातार उद्धव ठाकरे को सीएम पद के लिए दावेदार बताते रहे हैं। इस बीच खुद उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया देते हुए सीएम पद को लेकर अपनी स्थिति साफ की है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के कोपरगांव में एक सम्मेलन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहा, पहले भी नहीं देखता था और अब भी नहीं देख रहा हूं। जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल जोरों पर है। इसी कड़ी में इल्तिजा मुफ्ती का उमर अब्दुल्लाह पर जुबानी प्रहार जारी है। बिजबेहड़ा विधानसभा क्षेत्र से पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने एनसी नेता उमर अब्दुल्ला पर कहा कि वो चिंतित हैं। वो दो जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनकी टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं? वो थोड़ा नर्वस हो रहे हैं तो आप उन्हें इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? वो जीतने को लेकर बहुत नर्वस हैं और उन्हें आराम से प्रचार करने दीजिए। अपने घोषणा पत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक पहल को लेकर पूछे गए सवाल पर बिजबेहरा विधानसभा क्षेत्र से पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि आप इसे पढ़ सकते हैं, मुझे लगता है कि आप चीजों को समझते हैं, इसलिए आपको हमारा घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।